बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट है वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले डॉलर के मतलब ही बात कर लेंगे, जो कि आज जो आपको पता है सैटरडे संडे स्टेटमेंट तो क्लोज रहता है और डॉलर 280 अराउंड में चल रहा है, 280 रुपये अराउंड में चल रहा है, जो कि अगर एक हफ्ता पहले की बात करें 230 था, आपको पता है। तो बहरहाल अगर रियाल के मतलब बात करें तो एक्सचेंज रेट आपको पहले मैं दिखा दूँ। अच्छा, कल भाई मुझे कुछ कमेंट कर रहे थे, कि भाई ने मुझे कमेंट किया, ये जो कमेंट करते हैं मुझे इनके मतलब क्यों बात करता हूँ, सुन लें। एक भाई ने मुझे कमेंट किया, यार मैंने इतने रियाल भेजे हैं तू क्यों झूठ बोल रहा है 73। मेरा तो 67 रेट लगा, 67 रेट लगा, 67 रुपये कुछ पैसे। तो अच्छा, मैंने उसको क्या जवाब देना था वहाँ पर? और भाइयों ने, दो तीन बंदों ने कमेंट किए, यार मैंने भेजा है, मेरा तो 72 रुपया कुछ लगा है। एक बोल रहा था 72 रुपया तकरीबन, दूसरा बोल रहा था 72 रुपया कुछ पैसे। यार 67 रुपया वाली बात तो झूठ है, ये तो मैं भी मानता हूँ। आप अभी अपनी मोबाइल ऐप अपने आपने की हुई है राजी की, एसटीसी पे वगैरह कोई भी, तो उससे चाहे अभी भी उनका रेट करंट चेक, अच्छा अभी आप रेट चेक करेंगे और होगा जब आप रियाल लिख कर आप एटीएम में रखेंगे, आप मिसाल के तौर पर वहां पर 2000 रियाल लिख कर सेंड के ऊपर जाएंगे तो वहां पर रेट और शो हो जाएगा, ये भी चीज होती है। तो बहरहाल अभी एक्सचेंज रेट आपको दिखा दूं, जो कि आज का 73 रुपए 41 पैसे पाकिस्तान का और इंडियन रुपए 21 रुपए 96, यानी कि 22 रुपए बोल रहे हैं। बांग्लादेशी टका 28 टके 51 पैसे हो चुका है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से, अभी आपको बता देता हूं मैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहां पर पाकिस्तान का रेट भी बताते चलूं, 280 रुपए प्लस में आपको मिल रहा है, यानी कि अगर सऊदी अरेबिया से आप 5000 रियाल अपने साथ ला रखे हैं तो ये बात भी अपने साथ ही लाइएगा। कौन सी बात? कि आपको 20 से 25 हज़ार रुपये का फ़ायदा शायद इससे भी ज़ायद का हो जाए, अगर आप पाकिस्तान में वही 5000 ला कर चेंज करवा रहे हैं, शायद इससे भी ज़ायद हो जाए, ये बात है। तो बहरहाल जी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से रेट बता दूं आपको। बैंक जजीरा की अगर बात करें तो आज का रेट 71 रुपये 35 पैसे है, इनका 10-17 रफी के साथ है। एंड एसटीसी पे की बात करें तो 72 रुपये 72, यार बोलने में वैसे मज़ा आता है, 72 रुपये 72 रुपये 71 पैसे रेट है एसटीसी पे का, 17 रियाल इनकी फीस है। राजीव बैंक की बात करें तो आपको 71 रुपये 56 पैसे रेट मिल जाएगा, 10-17 25 रियाल फीस के साथ है। वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो आपको 72 रुपये 22 पैसे रेट मिलेगा, हाई रेट है, 23 रियाल फीस के साथ है। मनीग्राम 73 रुपये प्लस में जा चुका है मनीग्राम का रेट, जी सबसे हाई रेट मनीग्राम 73 रुपये प्लस में जा चुका है 23 रियाल फीस के साथ। एंड टेली मनी यानी कि ANB बैंक की बात करें तो आपको 72 रुपये 3 पैसे इनका भी रेट मिल जाएगा, 10-17 रियाल फीस के साथ है। अगर इंजाज बैंक की बात करें तो आपको 71 रुपये 62 पैसे आज का रेट मिलेगा, 10-17 25 रियाल फीस के साथ है। अगर क्विक पे की बात करें तो आपको 71 रुपये 88 पैसे आज का रेट मिलेगा और इनकी भी 10-17 रियाल फीस है। अगर शॉर्ट बात करें तो बैंकों में इस वक्त 71-72 रुपये रेट हो चुका है और अगर एक्सचेंज रेट की बात करें तो वो 73 रुपये से 74 के अराउंड में पहुंच चुका है और अगर पाकिस्तानी रेट की बात करें तो वो भाई 80 रुपये प्लस में जा चुका है।